उचिसा सच में इंडिया की वन ऑफ द चीपेस्ट नर्सरी है? अगर है तो हम कैसे प्लांट्स ऑर्डर कर सकते हैं? क्या कोई वेबसाइट है? क्या 4-5 प्लांट्स ऑर्डर कर सकते हैं? उचिसा में कौन से नर्सरी ज्यादा फेमस है? क्या सक्यूलेंट प्लांट्स भी मिलते हैं? एम आई सेलिंग प्लांट्स टू माई व्यूअर्स? उचिसा नर्सरी के ऊपर 4-5 वीडियोस चैनल पे देने के बाद ये सारे सवाल आप लोगों ने मुझसे सबसे ज्यादा पूछे हैं। सो इस वीडियो में मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूंगी। कोलकाता की बिगेस्ट प्लांट नर्सरी हब है उचिसा। यहाँ से कोलकाता और बाहर के सारे स्टेट की नर्सरीज में प्लांट डिलीवर होते हैं और इस गांव की हर एक इंसान नर्सरी से ही जुड़ा है। ये सब नर्सरी इन लोगों का घर है। कोई भी नया प्लांट्स सबसे पहले उचिसा में ही आते हैं, फिर यहाँ पे बड़े पैमाने पे उस प्लांट का प्रोपगेशन होते हैं और इसी वजह से यहाँ पे प्लांट्स इतने कम प्राइस में मिलते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उचिसा इंडिया का वन ऑफ द चीपेस्ट नर्सरी है। नेक्स्ट, किस तरीके के प्लांट्स उचिसा में मिलते हैं, कौन से नर्सरी फेमस है एंड हाउ टू ऑर्डर? देखिए, यहाँ पे प्लांट्स तो आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन जिस नर्सरी पे सक्यूलेंट है उसी सेम नर्सरी पे आपको आउटडोर या दूसरे इंडोर प्लांट्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स एक साथ एक ही नर्सरी पे कभी नहीं मिलेंगे। उचिसा में 200 से भी ज्यादा नर्सरीज है और हर एक नर्सरी किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए फेमस है। तो कौन सी नर्सरी में कौन से प्लांट्स मिलते हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उचिसा जाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं भी जिस नर्सरी पे हूँ, इट्स फेमस फॉर एग्लोनिमा, फिलोडेंडोन, पोथोस, मतलब सारे फोलियज एंड लो लाइट प्लांट्स। मैं ऐसे नर्सरी के नेम और नंबर नीचे दे दूंगी, आप नोट करते रहिए। यमुना नर्सरी मेनली फेमस फॉर एरिका पाम, फ्लावर प्लांट्स एंड सम फ्रूट प्लांट्स। फ्लावर में मैंने देखा कि बहुत सारे मेनली हिबिस्कस प्लांट यहाँ पे है, बैंगलोर पुणे वैरायटी नॉर्मल, बहुत सारे ह्यूज कलेक्शन है और प्राइस सिर्फ स्टार्ट है ओनली 10 रुपीज से। 10 रुपीज से अप टू 500 रुपीज तक हिबिस्कस प्लांट यहाँ पे आपको मिल जाएगा और एरिका पाम प्लांट की प्राइस बहुत ही कम है, ओनली 60 रुपीज। तो चलिए कुछ हिबिस्कस प्लांट की कलेक्शन देखते हैं और इनके प्राइस भी देखते हैं। अच्छा, अब प्लांट देखते देखते बात कर लेते हैं कि यहाँ से ऑर्डर कैसे करना। अगर आप नर्सरी ओनर है, बहुत सारे प्लांट्स होलसेल में परचेज करना चाहते हैं या फिर आप गार्डन के लिए बल्क में प्लांट लेना चाहते हैं, तो जो भी नंबर्स मैंने दिए हैं इस नंबर्स पे आप कॉल करके बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको होलसेल प्राइस में ही प्लांट मिल जाएंगे या फिर आप नर्सरी आकर भी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट रिटेल में मतलब 4 या 5 प्लांट्स, कम अमाउंट के प्लांट्स के लिए लोग ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करते हैं, मतलब उचिसा नर्सरीज आर नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। बट आप अगर 4-5 या फिर सिर्फ एक भी प्लांट अगर खरीदना चाहते हैं तो आप उचिसा आकर उनसे परचेज कर सकते हैं। Rono nursery is famous for delicate indoor plants like different type of anthuriums, prayer plants, different calatheas, broken heart, caladium, zizi plant and peace lily. आप अगर उचिसा जाना चाहते हैं तो आपके लिए location details and Google map link मैं description में दे दूंगी।
और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी डीएम करते हैं, एम आई सेलिंग प्लांट्स? आंसर इज नो। जो लोग मेरे वीडियोस बहुत पहले से देखते हैं उन्हें पता है मैं घर पे गार्डनिंग करती हूँ एंड कभी कभी नर्सरी विजिट भी करती हूँ। तो जब भी मुझे कोई अच्छा नर्सरी दिखते हैं तो मैं वो अपनी व्यूअर्स के लिए शेयर करती हूँ। और आज तक मैंने कोई भी नर्सरी वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं किए हैं, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने शेयर किए हैं। तो जब भी मैं प्रमोशन करूंगी तो सबको बताकर ही करूंगी। इंडिविजुअल प्लांट्स की अगर प्राइस जानना हो तो आप मेरे चैनल से दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने मुचीसा के ऊपर अपलोड ऑलरेडी किए हैं जहाँ पे मैंने प्राइस भी मेंशन किए हैं, तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आई बटन पे भी मिल जाएंगे, या फिर आप सर्च कर सकते हैं मुचीसा नर्सरी गार्डन टेल्स बाय अंतोरा। सक्यूलेंट और कैक्टस की बहुत अच्छी कलेक्शन आपको मिल जाएगी अभया नर्सरी पे, पर मेरी सलाह यही रहेगी कि सक्यूलेंट आपको विंटर में लेना चाहिए। एरिका पम और दूसरे कई तरीके के आउटडोर प्लांट्स की कलेक्शन है इस नर्सरी पे। इस नर्सरी के ऊपर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आप ऊपर आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोगनवेलिया प्लांट नर्सरी के बारे में पूछते हैं, तो बोगनवेलिया प्लांट नर्सरी के डिटेल्स इस वीडियो की एंड पे है। इस वीडियो को मैंने जितना हो सके इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नर्सरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी इन मुचीसा। दिस नर्सरी इज फेमस फॉर फ्रूट्स एंड आउटडोर प्लांट्स। ये कलरটা আমি নিলাম।